पूरा पूरा जोश है। आप में हमारा काफिला देखते हैं पूरा, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से आज जो मैंने सुनने में आया, कह रहा हूँ मैं, तो सबसे बड़ा हमारा था, जोश का प्रतीक था काफिला। योगेश्वर दत्त ने नामांकन भरा जी, क्या मानते हैं? अच्छी बात, नामांकन तो सबने भरना चाहिए। किस तरह के समीकरण? बड़ौदा अलका ग्रामीण एक क्षेत्र है, पूरा किसानी जमींदारी एक क्षेत्र है, तो लोग चाहेंगे कि अपने उनके बीच में रहने वाले, उनके सुख दुख में शामिल होने वाले को वोट दें, नहीं कि कोई ऐसा कि भाई जो नाम नाम सुना हो और तीन दिन पहले उनके बीच में आया हो। तो मैं तो समझता हूँ ऐसा ही कुछ आपको जनता वहाँ की है, बड़ौदा हल्का की जनता है, तो आपने को देंगे, अपने के बीच में रहने वाले को वोट देंगे। तो क्या मानते हो जैसे खिलाड़ी थे राजनीति में रंग नहीं जमा पाएंगे? तो मेरा अपना मानना है, आप भी बुद्धिजीव आदमी हो, स्पोर्ट्स पर्सन होना अलग है। स्पोर्ट्स पर्सन का अनुभव अगर स्पोर्ट्स लाइन में लें तो बहुत अच्छा है, ये तो एक राजनीति का उनके लिए बिल्कुल नया फील्ड है। मैं तो उसके लिए उनको स्टेबल नहीं मानता। उन्होंने देश की समाज की सेवा करनी थी, एज ए पुलिस ऑफिसर करते या फिर एकेडमियाँ एक चला रखी और दो चार पाँच पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा में अलग अलग क्षेत्र में अकेडमी चला करते, तो राजनीति में आना, मेरा अपना पर्सनल विचार है, मैं तो उसको उचित नहीं मानता। भाजपा ने कहा कि समान विकास उन्होंने हर क्षेत्र में किया है, क्या बड़ौदा में भी हुआ? भाजपा का तो सबका साथ एक झूठा नारा है उनका, तो उसका मतलब सबका साथ अपना विकास। बड़ौदा हल्का में भाजपा के नेता एक सिंगल काम गिनवा दे, सिंगल काम कि बड़ौदा हल्का में हमने ये विकास किया, खाली गलियां बनाई हैं, छोटी मोटी पानी की कोई व्यवस्था करी होगी, ये कोई विकास थोड़ा होता है? ये तो हर कोई सरकार आती है, हर कोई पंचायत करती है। एक सिंगल काम बीजेपी की सरकार गणवाई, एक सिंगल काम कांग्रेस गणवाई, और उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी थी, उसके काम आपके सबके सामने जग जाहिर है। उलाना गांव में शुगर मिल, जिसे युवाओं को रोजगार मिला, बुजुर्गों जो हमारे वहाँ के किसानों को सुविधा मिली, गुहाना में नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी, यहाँ तक महिला कॉलेज गुहाना में खोलने का काम के दो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। उसके बाद ये सरकार आई, ना ही तो कोई इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र है टोटली का टोटली बड़ौदा हल्का कोई कॉलेज खोलने का काम किया, ना ही कोई वहाँ पर चिकित्सा के तौर पर कोई मेडिकल खोलने का काम किया, तो इन्होंने पूरा का पूरा भेदभाव किया है। एक बड़ौदा हल्के में किसानों की पानी की बहुत ही समस्या है, आप छपता में आते हो तो? बड़ौदा हल्के में किसानों की पानी सिंचाई के पानी की भी समस्या है और पीने के पानी की भी समस्या। हम अगर सत्ता में आए तो दोनों समस्याओं से इसका समाधान करेंगे।